हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टेम्पलेट डाउनलोड करना सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप स्टॉक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जी हां, ऐसा हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सिस्टम को नेट से कनेक्टेड कर लीजिए, जैसा कि मैंने कर रखा है। अब आपको स्टार्ट बटन पर जाना है और यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेना है। तो ये 2016 वर्जन है मेरे पास, इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये ओपन हो रहा है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है इन्वेंटरी का जो टेम्पलेट है, इसे मैंने डाउनलोड कर रखा है। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ जाएंगे, यहाँ मोर टेम्पलेट पे जाइएगा, क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है इन्वेंटरी। क्या सर्च करेंगे, इन्वेंटरी। तो यहां पे जैसे ही इन्वेंटरी सर्च करेंगे आप, तो यहां पे इन्वेंटरी से रिलेटेड डेटाबेस खोल करके आ जाएंगे। ये देखिए, यहां पे सर्च किया मैंने, तो यहां पे इन्वेंटरी से रिलेटेड डेटाबेस खोल करके आ गया। ये इन्वेंटरी से रिलेटेड डेटाबेस है। ठीक है, अगर आपको डेस्कटॉप बिजनेस अकाउंट का एक डेटाबेस बनाना है तो यहां से आप ले सकते हैं। इसी तरह से और भी डेटाबेस आपको मिल जाएंगे। मैंने इन्वेंटरी का डेटाबेस पहले से डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको बेसिक आइडिया यहां से लग जाएगा। अगर आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हो तो आपको सिर्फ क्या सर्च करना है, स्कूल सर्च करना है। ये यहां पे एंटर प्रेस कीजिए और देखिए यहां पे स्टूडेंट का एक डेटाबेस क्रिएट होकर आया, फैकल्टी है और स्टूडेंट है। तो स्कूल जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहां स्टूडेंट का डेटाबेस आ जाएगा। क्लिक कीजिए इस पर और इसे मैं करूंगा क्रिएट पर क्लिक। यहां से क्रिएट पर किया क्लिक, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है, थोड़े टाइम में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये स्टूडेंट का जो डेटाबेस है, एक बेसिक डेटाबेस, ये यहां पे आ चुका है। मैंने आपको इस तरह का डेटाबेस बनाना सिखाया है। ये ओपन का यहां पे दिया गया है, यहां से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहां पे ओपन कर सकते हो आप। इसे ओपन करोगे तो यहां पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये लिखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फिर यहां पर आप स्टूडेंट की आईडी लिखोगे, फिर ये लेवल क्या है इनका, कौन से लेवल के हैं ये। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, इस तरह से आप जूनियर सीनियर, तो यहां पे 1 2 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टेम्पलेट में इस तरह से दिया हुआ है। यहां पे पिक्चर लगा सकते हैं, ओके, यहां पे डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं आप, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसी तरह से और भी चीजें दी गई हैं। इसके बाद देखिए इसको डिजाइन कैसे करा गया। यहां पे देखिए ये गार्जियन है, ये सेटिंग है, ये तमाम चीजें दी हुई है। स्टूडेंट अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको ये सिखाया है कि स्टूडेंट का अटेंडेंस हमें लेना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज यहाँ पे इस तरह से करी गई है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये स्टूडेंट के अटेंडेंस के लिए ये बनाया गया है, इस तरह से डिजाइन व्यू में जाकर के इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट के लिए ये बनाया गया है, तो ये इस तरीके से, ये मैंने बताया आपको, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट एंड टाइम डेटा टाइप लिया गया है। तो यहाँ से आप चूज करेंगे तो ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा, ओके। और स्टूडेंट एंड गार्जियन का एक डेटाबेस यहाँ पे बनाया गया है, तो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो रिलेशनशिप बताइए और अपने बच्चे को लेके जाइए, इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दिया है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्वेरीज बनाई गई है, तो ये क्वेरीज भी आप देख सकते हैं, ओके। तो ये क्वेरी है, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये क्वेरी कैसे लगाई गई है, तो यहाँ पे आप जा करके इस तरह से ये क्वेरी लगाई गई है। ठीक है, इसके बाद फिर यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी एक क्वेरी बनाई गई है। ठीक है, दोनों ही असेंडिंग ऑर्डर में है। यहां पर इसको भी दिखा देता हूं कि ये किस तरह से डिजाइन करा गया इसे, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहां पे गार्जियन है, तो ये इस तरीके से है, और ये सारी क्वेरीज हैं। तो यहाँ पे अटेंडेंस को काउंट करने के लिए ये बनाया गया है, तो जब भी आप अटेंडेंस उसमें डालेंगे, प्रेजेंट या एब्सेंट करेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगा कि स्टेटस क्या है, कितने दिन प्रेजेंट रहे, कितने दिन एब्सेंट रहे, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे अटेंडेंस के लिए ये दिया गया है, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर स्टूडेंट एंड गार्जियन, ये तो मैं पहले ही दिखा चुका हूं, और स्टूडेंट एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंडेड के लिए यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक फॉर्म बनाया गया, सब फॉर्म बनाया गया है। सब फॉर्म बनाना मैंने पहले भी सिखाया है आपको। ठीक है, तो ये सब फॉर्म है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, फिल्टर करके, फिल्टर अगर आप करना चाहते हैं तो यहां से आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, जूनियर सीनियर जो भी हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे गार्जियन की डिटेल है, गार्जियन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या नाम है उनका, क्या एड्रेस है, ये सारी चीजें। ठीक है, और यहाँ पर रिपोर्ट डिजाइन किया गया है। ठीक है, कि ये किन किन बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे
दी गई है, ठीक है, रिपोर्ट में। तो ये कुछ इस तरह की चीजें करी गई हैं और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिपोर्ट इस तरह से आ जाएगी। ये तो ये कुछ इस तरह से, और नीचे कुछ मैक्रो भी डिजाइन कर रखा है, यहाँ से गेट स्टार्टेड पे जाने से ही इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे फिल्टर फिर लगाया हमने, ये फिल्टर नाम का मैक्रो, ठीक है, फिल्टर करने के लिए। और यहाँ पे सर्च करने के लिए एक सर्च नाम का मैक्रो है। और ये इस तरह से पूरा का पूरा डेटाबेस डिजाइन किया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस तरह का डेटाबेस आप भी बना सकते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन बहुत ही इजीली डिजाइन कर सकते हैं। एक एक छोटी छोटी बातें मैंने बता दी हैं कि कैसे कैसे आप इस पूरे डेटाबेस को आप डिजाइन करेंगे। इजी है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, और टाइटल में यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर दीजिए और फिर ऊपर की ये चीजें कर सकते हो आप, ऊपर ही बटन लगा सकते हो डिजाइन बना करके। और ये आप लोगो ले सकते हो, तो लोगो तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। शो और हाइड कराना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो इजी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपको। ये देखिए सेटिंग नाम का ये बनाया है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। और यस और नो डेटा टाइप का प्रयोग इसमें भी किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ आपको जरूर आसानी होगी डेटाबेस डिजाइन करने में। तो अगर वीडियो ठीक लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।